मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह की चंद्रिमा मैम आज आप लोग के सामने हूँ और ट्वेल्थ इंग्लिश का पहला क्लास लेने जा रही हूँ इस कठिन परिस्थिति में। आज आप लोग को मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वह आपके एनसीईआरटी जो बुक है फ्लेमिंगो उसका पहला कविता है जिसका शीर्षक है माय मदर एट 66। ये कविता को लिखने वाली भारत की सुप्रसिद्ध कवियत्री है जिनका नाम है कमला दास। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे ताकि मैं जो प्रमुख पॉइंट आप लोग को बोलूं या कठिन शब्दों का जब अर्थ बोलूं तो उसको आप लोग लिख सको और आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपके सहयोग के बगैर ये क्लास अधूरा है। सबसे पहले मैं कविता को का पाठ करने जा रही हूँ और कवित्री के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। कवित्री कमला दास भारत की एक सुप्रसिद्ध कवित्री है। उनका जो निकनेम है या वो एक और नाम से इस साहित्य के जगत में जानी जाती है और उनका नाम है माधवी कुट। उन्होंने कई सारे कविताओं को लिखा है और पूरे विदेश में या देश में अपना नाम कमाया है। उनकी कुछ खास कविताएं हैं अल्फाबेट्स ऑफ लास्ट, द रेन और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। अब उनके जन्म के बारे में हम बात करेंगे। कमला दास का जन्म 31 मई 1934 में मालाबार नाम के एक गांव में हुआ। ये केरल राज्य में स्थित है और उनका निधन 31 मई को 2009 में हुआ। ये थोड़ी अलग किस्म की कवित्री रही है। ये काफ़ी स्पष्ट वक्ता है और आधुनिक चिंताधारा से केंद्रित है। इनके कविताओं में हम देख पाएंगे कि वो ये मानव जीवन के जो जटिलताएं हैं उनको बहुत अच्छी तरह वो समझती है और उनकी कविताओं के द्वारा हमको स्पष्ट करने की वो कोशिश की है। वो मानव जीवन के कुछ प्रमुख चीज़ों को हमको समझाने की कोशिश की है अपने कविताओं के द्वारा। तो चलिए मैं इस कविता का पाठ करती हूँ और आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं कमला दास की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये है हमारी सुप्रसिद्ध कवियत्री कमला दास जिनका निकनेम या फिर साहित्य जगत में जो नाम है वो है माधवी कुट्टी। माई मदर एट 66 बाई कमला दास। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ये हो गया आपका पूरा कविता। अब मैं आप लोग को एक संक्षिप्त रूप में उसका सारांश बोलने वाली हूँ। एक दिन की बात है,
जब कमला दास अपने कर्मस्थल से जो कि कोचिंग है वहां से, कोचिंग एक जगह का नाम है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, अपने कर्मस्थल कोचिंग से बगल में ही एक जगह थी, वहां उनके माता पिता रहते थे, वहां के लिए गई, निकल पड़ी। कुछ दिन वहां बिताने के बाद अब उनकी लौटने की बारी थी, वो अपने कार में चल पड़ी एयरपोर्ट के लिए ताकि वो वापस कोचिंग में आ सके। गाड़ी के पीछे के सीट में वो बैठी थी और उनके बगल में उनकी बूढ़ी माँ जिनका उम्र है 66 वो बैठी थी। गाड़ी अपनी रफ्तार से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। अचानक से कमला दास की नजर उनकी माँ पे पड़ी। उनकी माँ के चेहरे को देख के वो भयभीत हो उठी। उन्होंने देखा कि उनकी माँ काफी नींद में है, गहरी नींद में है। और आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब बूढ़े लोग या वृद्धावस्था में जब कोई गहरी नींद में होता है या कमजोरी उनको छू जाती है तब मुंह खुल जाता है। वो अपनी माँ के इस अवस्था को देख के काफी भयभीत हो उठी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उनकी माँ का उम्र बढ़ रहा है और शायद वो दिन दूर नहीं जब उनकी माँ और वो दोनों अलग हो जाएंगी, क्योंकि मृत्यु आके उनकी माँ को अपने साथ ले जाएगी। ये जो सोच थी जो कमला दास के मन में अचानक से आके घर बना गई, वो सोच से वो भयभीत हो उठी, डर गई। और वो इस सोच को दूर करने के लिए वो अपनी गाड़ी के खिड़की से बाहर देखने लगी। अब बच्चों आप अक्सर देखे होंगे जब आप कहीं जा रहे हो कार में या बस में, तो जब कार या बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तब रोड के किनारे लगे हुए जो पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो उस बस या कार के साथ तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। बिल्कुल वही चीज जब कमला दास खिड़की से बाहर देखी तब उन्होंने देखा कि वो पेड़ पौधे भी उनके गाड़ी के साथ तेजी से दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ फुर्तीले हैं। इधर प्रकृति अपने सुंदरता को बिखेर रही थी और उस तरफ जब उन्होंने देखा दूसरी तरफ, तब उन्होंने देखा कि बच्चे जो है वो फुर्ती के साथ अपने घर से दौड़ के निकल रहे थे। उनका मकसद था कि मैदान में जाके भरपूर खेलना। ये जो प्रकृति का सुंदर नजारा था वो बहुत खुशी वाला था, लेकिन गाड़ी के अंदर का नजारा काफी दर्दनाक था, क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे से पीड़ित थी। यह हो गया, फिर गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी। गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची, वहां पे काफी सारी गतिविधियां होती है एयरपोर्ट में। उसके बाद सिक्योरिटी का एक चेकिंग होता है, पुलिस का चेकिंग। उसके बाद फाइनली जो जाने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं। जब ये क्षण आया जब कमला दास अब आखिरी विदाई बोलने वाली थी अपनी माँ को, वो काफी वेदना में थी, काफी डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि हो सकता है कि ये उसकी आखिरी मुलाकात हो अपनी वृद्धा माँ के साथ। उन्होंने अपनी वेदना को अपने अंदर छुपा के अपनी माँ को हाथ उठाया और अपनी माँ से अलविदा बोला। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि यहाँ वृद्धा माँ खड़ी है और यहाँ कमला दास खड़ी होके हाथ हिला के इनसे बाय बोल रही है, क्योंकि अब वो प्लेन में चढ़ के अपने जगह को जाने वाली है। उन्होंने अपनी माँ को बाय बोला और अपने चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कुराहट के साथ अलविदा बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ जो है उनके अंदर का जो वेदना है उसको समझे। और फाइनली वो अपने गंतव्य स्थल को चली गई, एक मन में डर लिए कि पता नहीं कि फिर से उनकी माँ से उनकी मुलाकात होगी भी या नहीं। तो बच्चों ये हो गया
इस पूरे कविता का सारांश। अब हम लोग जो मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगी और उसमें जो कठिन शब्द है उनको पहले आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगी और उसके बाद उस पूरे लाइन का अर्थ बताऊंगी। और उस लाइन में अगर कुछ अलंकार कवि ने यूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो उस अलंकार के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलंकार होता क्या है। अलंकार जो है वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस। क्या बोलते हैं? लिटरेरी डिवाइस। अलंकार वो गहना है जिससे कि कवि अपने कविता को सजाता है। जैसे एक औरत तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों से अपने आप को सजाती है, उसी तरह एक कवि भी इस अलंकार रूपी गहने से अपने कविता को सजाते हैं। तो उस अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस, जिसमें कि आप जानते होंगे कि उपमा नामक एक अलंकार है जो हिंदी में है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली। और भी तरह तरह के अलंकार इस्तेमाल हुआ है इस कविता में जो मैं आप लोग को एक एक करके पढ़ाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले पहला लाइन, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। ये हो गया आपका पहला लाइन। इसमें जो कठिन शब्द है, दो कठिन शब्द मुझे लग रहा है कि आप लोग को बता दूं। पहला शब्द है बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। अगर मान लीजिए आपके बगल में एक बैग रखा हुआ है तो हम बोलेंगे दैट बैग इज बिसाइड मी, ये बैग मेरे बगल में रखा हुआ है। तो बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। और एक शब्द है जो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को कठिनाइयां हो, कोचिन। कोचिन जो है वो एक जगह का नाम है जो दक्षिणी भारत में है और जिस जगह से कमला दास बिलोंग करती थी या जिस जगह से वो थी। तो अब हम लोग इस पूरे लाइन का अर्थ समझेंगे कि एक हफ्ता बीत चुका था जब कमला दास अपने माँ के घर से कोचिन लौट चुकी थी। अचानक से उस लास्ट फ्राइडे यानी बीते हुए एक हफ्ते पहले वाला जो शुक्रवार था, उस दिन एक घटना घटी थी। उस घटने को वो याद करती है और आज वो उस घटने को केंद्रित करके ये कविता को लिखती है। ये कविता में वो बोल रही है कि एक हफ्ते पहले उस शुक्रवार की बात है जब मैं अपने माँ पिता के घर से कोचिंग के लिए लौट रही थी। मैं गाड़ी में थी और कोचिंग जाने के लिए मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही थी ताकि मैं प्लेन पकड़ के कोचिंग जा सकूं। मेरे साथ कार में मेरी माँ भी थी जो पीछे के सीट में मेरे बगल में बैठी हुई थी। ये पूरे लाइन में एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हुआ है, जिसका नाम है अजोनेंस। अब ये लिटरेरी डिवाइस या अलंकार जिसका नाम है अजोनेंस, ये है क्या? बार बार बोल दूं, ये अलंकार या लिटरेरी डिवाइस का नाम है अजोनेंस। आप लोग स्टूडेंट आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम अंग्रेजी के अक्षरों को लें यानी अल्फाबेट्स को लें, ए टू जेड तक अगर हम अल्फाबेट को देखें तो उसमें कुछ वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट। वॉवल्स पांच अल्फाबेट वॉवल्स में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, जिसमें है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये जो पांच अल्फाबेट है ये हो गए वॉवल। तो अजोनेंस जो है वो है अगर एक लाइन में एक वॉवल की ध्वनि को बार बार उसमें यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अजोनेंस।
मैं फिर से बोल दूं, अजोनेंस वो लिटरेरी डिवाइस है या अलंकार है जिसमें एक वावल की ध्वनि को एक लाइन में बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ये जो लाइन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ टू जो शब्द है इसमें देखिए ओ जो कि एक वावल है इसकी ध्वनि आ रही है। दूसरा उसके ठीक बगल वाला जो शब्द है कोचिन, सी के बगल में ओ है और उसमें भी ओ की ध्वनि स्पष्ट है। फिर जो शब्द है मॉर्निंग, एम के बाद जो ओ है उसमें भी ओ की ध्वनि स्पष्ट है। बार बार ये लाइन में ओ का जो ध्वनि है उसका रिपीटेशन या बार बार उसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ती हूँ ताकि आपको सुविधा हो। टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ओ का जो साउंड है, ओ का जो ध्वनि है वो बार बार इस्तेमाल आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं अजोनेंस। तो अजोनेंस नामक जो अलंकार है इसका इस्तेमाल कवयित्री में पहले लाइन में किया है। ये उम्मीद है पहला लाइन आपको स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरी लाइन। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। ये जो लाइन है इसमें काफी सारे कठिन शब्द हैं, आप चाहो तो लिख लो। पहला है डोज। डोज का अर्थ होता है इंग्लिश में, ट्रांसलेट करती हूँ हिंदी में, यानी निद्रा से लिप्त होना, यानी नींद में होना। डोज का अर्थ है नींद में होना। उसके बाद है एशन। एशन यानी राख जैसा फीका, एशन यानी राख जैसा फीका। और कठिन शब्द इसमें कुछ खास नहीं है। रियलाइज्ड मतलब महसूस होना, रियलाइज्ड का अर्थ है महसूस करना, रियलाइज्ड का अर्थ है महसूस करना। उसके बाद पेन, पेन यानी तकलीफ, पेन यानी तकलीफ। तो आइए इन चार कठिन शब्दों को मैंने स्पष्ट किया, फिर से एक बार बता दूं। डोज यानी नींद में होना, एशन यानी राख के समान या राख जैसा, कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी शव या फिर मृतदेह, रियलाइज्ड यानी महसूस करना, पेन यानी तकलीफ। ये पांच शब्द आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। अब आती है कि कार जब चल पड़ी, अचानक से कमला दास ने अपनी माँ के चेहरे को देखा और देखते के साथ वो भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी माँ नींद में लिप्त थी, गहरी नींद में सो रही थी और नींद में होने के कारण उनकी माँ का मुख खुला हुआ था, उनकी माँ का चेहरा निर्जीव दिख रहा था, एकदम राख के जैसा फीका पड़ चुका था। जब राख से धुआं निकलता है वो धुएं का जो फीकापन होता है वही फीकापन उनकी माँ के चेहरे में दिख रहा था। उनकी माँ का जो शरीर है उसमें इतनी स्थिरता थी, बिल्कुल लग रहा था जैसे लाश जैसा। ये सारा कुछ देख के वो बहुत चिंता में पड़ गई। वो सोचने लगी कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, मेरी माँ का उम्र हो चला है और उम्र होते के साथ एक ही ख्याल आता है अपने अपने लोगों के लिए कि अब वो शायद वो दिन दूर नहीं जब वो हमें छोड़ के जाने वाली है ईश्वर के पास, यानी वो मरने वाली है।
ये ख्याल पोएट को भी आया, ये ख्याल कमला दास को भी आया और वो दुख से भर गई। अब यह हो गया दूसरे लाइन का व्याख्यान। अब हम लोग आते हैं लिटरेरी डिवाइस पे। यहाँ जो एक खास लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जिसको बोलते हैं हम उपमा, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं? सिमिली, जिसका हिंदी में अर्थ है उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार या सिमिली होता क्या है? ये एक तुलनात्मक अलंकार है जिसमें दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल करके? वो है एज और या फिर लाइक, ये दो शब्द का इस्तेमाल करके अगर हम तुलना कर रहे हैं दो चीजों के बीच में, दो भिन्न चीजों के बीच में, तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं सिमिली या फिर उपमा। तो जैसे आप लोग को मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जैसे शी इज लाइक अ रोज, यानी एक लड़की की खूबसूरती को एक गुलाब की खूबसूरती से तुलना की जा रही है। जैसे एक गुलाब सुंदर है, वैसे ही उस ठीक उसी तरह उस लड़की की खूबसूरती भी दिख रही है। तो यहाँ पे शी इज लाइक अ रोज, वो लड़की की तुलना, उसकी सुंदरता की तुलना उस गुलाब की सुंदरता से की जा रही है। लेकिन तुलनात्मक जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तुलना कौन से शब्द से की जा रही है? लाइक से। शी इज लाइक अ रोज। तो लाइक या फिर एज का इस्तेमाल करके जब हम दो भिन्न चीजों के बीच में तुलना करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं, वह उस अलंकार को हम बोलते हैं सिमिली। तो यहाँ पे भी देखिए सिमिली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कॉर्प्स यानी मृत देह का जो चेहरा होता है कैसा होता है? एकदम सफेद, निर्जीव, एकदम धुएं जैसा सफेद। बिल्कुल वो धुएं जैसा जो सफेदी एक मृत देह के चेहरे में होती है, बिल्कुल वही सफेदी यहाँ कमला दास ने अपनी माँ के चेहरे में देखा। यानी अपनी माँ के चेहरे का जो निर्जीवता था, जो सफेदी थी, उस सफेदी से एक मृत देह के चेहरे की सफेदी की तुलना यहाँ की जा रही है। तो उम्मीद है इसका, इस सेकंड लाइन का भी जो सारांश है या जो मायने हैं वो आपको स्पष्ट है। अब हम लोग तीसरे लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यानी वो अपने माँ को, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, पहले मैं आपको कठिन शब्द बता दूं। सबसे पहला जो कठिन शब्द है वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का अर्थ है तेजी से दौड़ना या तेजी से भागना। स्पिलिंग दूसरा कठिन शब्द है। स्पिलिंग, स्पिलिंग का अर्थ है ताकत से अंकुरित होना या ताकत से निकलना। खासकर ये जो स्प्रिंटिंग शब्द है, ये जब कोई बीज से कोई पौधा अंकुरित होता है तो उसके जो गतिविधि को, इसको स्प्रिंटिंग बोला जाता है। तो ये जो दो शब्द है स्पिलिंग और स्प्रिंटिंग, स्पिलिंग का अर्थ हो गया तेजी से भागना और स्प्रिंटिंग का अर्थ हो गया ताकत से अंकुरित होना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कमला दास अपने माँ के चेहरे को देखती है तो उनकी माँ का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से निर्जीव दिखता है। एक एहसास उनके मन को छू जाता है,
और वो एहसास है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चली है, उनकी माँ का उम्र हो गया है। और ये जो एहसास है ये उनको काफी दुखी कर जाता है। कार के अंदर का जो स्थिति थी वो काफी दर्दनाक थी, और इस दर्दनाक भरे स्थिति को ओवरकम करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए, संतुलित करने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर झांकती है और प्रकृति को देख के खुश होने की कोशिश करती है। जब वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि कार तो अपनी तेजी से बढ़ रहा है, कार अपने रफ्तार से दौड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो बगल में, रास्ते के बगल में लगाए गए पेड़ है वो भी उस कार से जैसे कंपटीशन लगा के तेजी से दौड़ रहा है। वो पेड़ जो है वो काफी फुर्तीला नजर आ रहे हैं और काफी जोश में है, काफी खुश है। एक तरफ पेड़ और दूसरे तरफ जब वो देखती है तो वो देखती है कि बच्चे खुशी के भरे हुए चेहरे में जो बच्चे हैं, खुशी से भरे हुए बच्चे, वो अपने घर से एकदम ताकत के साथ निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे एकदम ताकत से निकल रहे अपने घर से और दौड़ के, कहाँ के लिए दौड़ रहे हैं, ताकि वो मैदान में जाके भरपूर अपने साथियों के साथ खेल सके। तो खुशी से भरे पड़े चेहरे वाले बच्चे एक तरफ, दूसरे तरफ खुशी से दौड़ने वाले पेड़। तो यहाँ पे जो कार के बाहर का जो नजारा था वो काफी खुशनुमार था, काफी खुशी थी उनके चेहरे में, प्रकृति जैसे झूम रही थी खुशी से। लेकिन ठीक विपरीत परिस्थिति थी कार के अंदर का, क्योंकि वहां उनकी माँ, कमला दास की माँ के चेहरे को देख के कमला दास यानी कवित्री जो थी वो दुखी थी। कार के अंदर का परिस्थिति दर्दनाक, कार के बाहर का परिस्थिति बहुत ही खुशहाल। तो ये जो दो विपरीत परिस्थिति है इसके द्वारा पोएट जो है, कवि जो है, ये समझाने की कोशिश की है कि मानव जीवन में काफी तकलीफ है, लेकिन मानव जब भी प्रकृति के तरफ घूम के देखा है तो प्रकृति एक माँ की तरह उसके दुखते हृदय को सहलाती है और उसके दुख को दूर करने में मदद करती है। ये एक पाठ कवि हमें देना चाहिए। अब यहाँ पे इस सेकंड लाइन को उम्मीद है आपको समझ में आया। दो चीज खास फिर से मैं समझाती हूँ। द ट्रीज स्प्रिंटिंग, द ट्रीज यानी जो पेड़ है, यंग ट्रीज है यानी एकदम नए नए उगे हुए पेड़, वो ऐसा लगा जैसे जैसे यंग, जैसे आप लोग नवयुवक हो, आप लोग जैसे जितना आप लोग फुर्ती से भरे होंगे उतना शायद उम्रदार लोग नहीं होंगे। तो जैसे एक यंग आदमी में जितना फुर्ती होता है वही फुर्ती एक यंग ट्री में दिख रहा था जो कि रास्ते के किनारे लगाया हुआ था। और वो यंग ट्रीज जो है वो इस कार के रफ्तार से कंपटीशन लगा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बोल रहा है कि तुम्हारी रफ्तार हमसे भी कम है। और दूसरे तरफ चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यानी जो मेरी चिल्ड्रन है, मेरी का अर्थ है खुश, मेरी चिल्ड्रन यानी खुश रहने वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ से निकल रहे थे, स्पिल कर रहे थे, स्पिल यानी अंकुरित होके निकलना, तेजी से निकलना, ताकत से निकलना। कहाँ से निकल रहे थे, होम से, होम यानी अपने घर से निकल रहे थे, कहाँ के लिए, मैदान के लिए, ताकि वहां जाके वो और ज्यादा खुश हो जाए और ज्यादा खेल सके। तो ये हो गया ये लाइन जिसमें कि मैं आप लोग को कुछ अलंकार यानी लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं सिमिली, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि एक तुलनात्मक अलंकार है जिसमें तुलना की जाती है दो चीजों के बीच में। यहाँ भी तुलना की जा रही है, देखिए, that she was as old as she looked, यानी उनका जो चेहरा है वो एक बूढ़े आदमी के चेहरे से तुलना की जा रही है, as का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉन्सोनेंस। अब हम लोग कॉन्सोनेंस क्या है,
इसको थोड़ा सा हम जान लेंगे। जैसे कि पहले हमने अजोनेंस पढ़ा है, अजोनेंस में हमने देखा है कि वहां पे रिपीटेशन हो रहा है, बार बार उच्चारण हो रहा है किस चीज का, एक वोवेल की ध्वनि का। अब ठीक विपरीत है कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में भी बार बार उच्चारण होगा लेकिन वोवेल का नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट के साउंड का। कॉन्सोनेंट यानी आप जानते ही होंगे, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये हो गया वोवेल, और बाकी के जितने अल्फाबेट है वो हो गए कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साउंड को अगर हम बार बार वहां पे उच्चारण कर रहे एक लाइन में तो वो हो जाता है कॉन्सोनेंस। आपको मैं बता दूं कि ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रही हूँ इसमें गौर कीजिएगा कि एस जो कि एक कॉन्सोनेंट है इसकी ध्वनि का बार बार कई शब्दों में इस्तेमाल हुआ है, और एक कॉन्सोनेंट है टी जिसका भी बार बार उच्चारण हो रहा है उसकी ध्वनि का। पहले मैं एस के बारे में आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पे शी, शी में एस है, एज एस है, एज एस है, सून एस है, स्प्रिंटिंग एस से शुरू हो रहा है, स्पिलिंग एस से शुरू हो रहा है। तो कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि एस के ध्वनि का उच्चारण हो रहा है बार बार। अब हम लोग टी में आते हैं, इसमें देखिएगा टी की बारी, पुट पुट में टी है, दैट दैट में भी टी है, थॉट थॉट में भी टी है, आउट आउट में भी टी है, एट एट में भी टी है, स्प्रिंटिंग टी है। तो कई सारे उस लाइन में ऐसे शब्द हैं जिसमें कि टी के ध्वनि का बार बार उच्चारण किया जा रहा है। तो ऐसे अलंकार या ऐसे लिटरेरी डिवाइस जिसमें बार बार कॉन्सोनेंट के ध्वनि का उच्चारण हो रहा है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये दूसरा अलंकार या लिटरेरी डिवाइस है। अब तीसरा जो यहाँ पे यूज हुआ है लिटरेरी डिवाइस, उसका नाम है इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी है क्या? जब एक कवि कवि या कवियत्री जो आप बोलो वो जब एक कविता को लिखने बैठते हैं तो आप देखिएगा कि वो अपने कल्पना शक्ति को एकदम चरम सीमा पे ले जाते हैं। तो वहां पे कल्पना करके यहाँ पे देखिएगा, क्या एक पेड़ दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। वो एक निर्जीव नहीं है लेकिन दौड़ नहीं सकता, वो स्थिर है। लेकिन यहाँ पे कवि अपने काल्पनिक शक्ति से ये इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो पेड़ दौड़ रहा है। दूसरा, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, क्या एक बच्चा कभी अंकुरित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कल्पना की जा रही है कि वो बच्चे जैसे एक बीज ताकत लगा के अंकुरित होता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चे जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल उस वही ताकत उनमें दिख रही है। तो इस तरह के इमेजिनेशन को, काल्पनिकता को स्थान दी जा रही है और इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को बोला जाता है इमेजिनरी। अब हो गया, हम लोग थर्ड लाइन को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन यानी चौथे लाइन में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग A few yards away, I looked again at her, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear, but all I said was, See you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो ये कुछ last lines है या last paragraph आप बोल सकते हो। इसमें कुछ कठिन शब्द है जो मैं चाहूंगी कि आप लिख लो, जिसमें सबसे important है देखिए van. Van का अर्थ है कमजोर, van का अर्थ हुआ कमजोर।
पेल दूसरा शब्द पेल, पेल का अर्थ हुआ फीका, पेल का अर्थ हुआ फीका। तीसरा शब्द है एक, ए सी एच ई, एक, एक यानी व्यथा यानी दर्द, एक का अर्थ हुआ व्यथा यानी दर्द। तो यहां हम देख सकते हैं कि इस लास्ट लाइन में कि एयरपोर्ट गाड़ी पहुंच चुकी है, कमला दास अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट में घुस चुकी है, वहां पे कई सारे नियम होते हैं एयरपोर्ट में, और वो नियमों को पार करने के बाद जब आखिरी सिक्योरिटी पॉइंट आता है जहां पे पुलिस चेक करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद परमानेंटली जो पैसेंजर होते हैं जो जाने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो छोड़ने के लिए आए हैं वो अलग हो जाते हैं। या जा कौन रही है? कमला दास। और छोड़ने कौन आया है उन्हें एयरपोर्ट पे? उनकी माँ, उनकी बूढ़ी माँ। तो यहाँ पे जब आखिरी या फाइनल अलविदा कहने की बारी आई कमला दास की, तो वो अपना हाथ उठा के अपनी बूढ़ी माँ को अलविदा कहती है, और जब वो ये अलविदा कहने के लिए एक बार फिर से अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो फिर से ऐसा लगता है कि वो पुराना जो भय है जो वो बचपन में महसूस करती थी, आप लोग देखे होंगे या आप लोग भी फील किए होंगे, महसूस किए होंगे कि जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो हमेशा माँ माँ कह के पुकारता रहता है या माँ के पीछे पीछे घूमता हुआ नजर आता है, वो अपने माँ के आंचल को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि ये माँ जो मेरा इतना ख्याल रखती है वो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। माँ को खोने का डर बच्चे को हमेशा सताता है, बस वही डर यानी माँ को खोने का जो बचपन में डर था भय, वही भय फिर से एक बार कमला दास के मन में फिर से एक बार लौट आया है, और आज जब वो अपने माँ के चेहरे को वापस देखती है तो वही भय उनके मन में फिर से आ जाता है, और अब वो अपने माँ के चेहरे को तुलना करती है एक बहुत ही सुंदर से उपमा से। जब ठंड के मौसम में जब सब कुछ स्थिर हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, अगर आप आसमान की बात करें तो आसमान का भी कुछ उसी तरह नज़ारा होता है, सब कुछ जैसे ठंडा पड़ जाता है। चांद की जो रोशनी होती है वो भी ऐसा लगता है जैसे फीका पड़ गया है। जो कुहासा होता है, कुहासा उस चांद की रोशनी को इस तरह से रोक देता है कि वो भी नीचे से, हम मानव जब मनुष्य जब उस चांद की रोशनी की तरफ ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठंड का मौसम चांद की रोशनी को भी फीका कर गया है। तो चांद का जो फीकापन होता है ठंड के मौसम में, वही फीकापन नजर आता है किसके चेहरे पे? कमला दास को नजर आता है अपने माँ के चेहरे पे। यानी वो विंटर मून यानी ठंड के मौसम का जो चांद है उसका जो फीकापन है, यहाँ मैंने एक तस्वीर से स्पष्ट करने की कोशिश की है, उसका जो फीकापन है वही फीकापन कमला दास को उनके माँ के चेहरे में नजर आता है, और वो फिर से एक बार छटपटा उठती है एक डर से कि वो दिन दूर नहीं जब शायद वो अपनी माँ को आखिरी विदाई देगी, क्योंकि मृत्यु आके उनकी माँ को अपने साथ ले जाएगा। तो वो फिर भी इस वेदना को छुपाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनकी बूढ़ी माँ उसके मन के इस भय को भांप ले, जान ले और वो भी छटपटा जाए। इसलिए इस वेदना को छुपाने के लिए वो अपने चेहरे पे एक बड़ा सा मुस्कान लाती है और अपनी माँ को हाथ हिला के अलविदा बोलती है, और एक वादा करती है, एक होप दिखाती है, एक उम्मीद दिखाती है, और बोलती है फिर मिलेंगे अम्मा, और इस उम्मीद के साथ वो अपनी माँ से विदाई लेती है।
लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो मुस्कुराहट फिर से गायब हो जाती है कमला दास के चेहरे से और फिर से उनके मन में वही पुराना भय आ जाता है और वो फिर से डर जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि शायद ये जो उम्मीद है, ये जो फिर मिलेंगे अम्मा का जो उम्मीद है, वो शायद झूठा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर वो अपनी माँ से इस जिंदा अवस्था में फिर कभी ना मिले। और इस बात से, इस बाई से, इस अलविदा से वो अपनी माँ से जुदा हो जाती है। तो ये हो गया कविता का पूरा अर्थ। अब आखिरी जो लाइन्स हैं उसमें भी कुछ लिटरेरी डिवाइस या अलंकार उसमें भी है, जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे सिमिली या उपमा, यहाँ पे आप मेरे से मुझसे पहले आप समझ गए होंगे कि यहाँ सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, इस अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। किस चीज से इस्तेमाल हुआ है? मून, यानी ठंड के मौसम का जो चांद का जो फीका रोशनी होती है, उससे तुलना की गई है किसके चेहरे का? उसके माँ के, कमला दास के बूढ़ी माँ के चेहरे का जो फीका रंग है, उससे उस चांद के फीकापन की तुलना की गई है। तो ये हो गई हमारी पूरी कविता। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी ये भावपूर्ण कविता, जिसने एक माँ और बेटी के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से, उसकी गहराई को समझाने की कोशिश की गई है। और एक खास संदेश इस कविता के द्वारा हम तक कवित्री पहुंचाने की कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता चिरस्थाई नहीं होता है, कोई भी चीज़ परमानेंट, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता इस दुनिया में। और हम सभी को कभी ना कभी, चाहे अभी चाहे कभी और कुछ साल बाद या और कुछ दिनों बाद, हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु हम मनुष्य को के साथ एक ऐसा सच है जो जुड़ा हुआ है। मृत्यु अनिवार्य है। तो इसके साथ ये कविता का सारांश मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब क्योंकि आप क्लास 12 में हो और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कुछ खास प्रश्न उत्तर का निर्वाचन किया है, जो शायद आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी काम आए। और मैं बोर्ड पे पहले से इसको लिख चुकी हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी और उसके बाद उसको हिंदी में उसका व्याख्यान करूंगी, फिर मैं उत्तर को इंग्लिश में बोलूंगी। उत्तर नहीं बोलेंगे, उसमें जो प्रमुख पॉइंट है उस उत्तर में होनी चाहिए उसको मैं बोलूंगी, और फिर आपको उसका हिंदी में उसका अर्थ समझाऊंगी। आप अच्छी तरह जानते हो, अगर आप देखोगे, तीन तरह के, खासकर दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला होता है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, यानी दो तीन पंक्तियों को उठाकर दे दिया जाता है और उससे आधारित कुछ प्रश्न आपको पूछा जाता है। दूसरा होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं और जिसका आपको आंसर 30 से 50 शब्दों में देना होता है। तो चलिए आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखा दूं, ताकि आप लोग के लिए आसान पड़े। कॉपी में आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, और अगर कुछ प्रमुख पॉइंट आपको लिखना पड़े, मेन पॉइंट लिखना पड़े, तो उसको उत्तर में लिख लीजिएगा, ताकि आगे चल के आप उसको, उसका सही आंसर बना सको। और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक बार इस उत्तर को, प्रश्न उत्तर को डिस्कस करूंगी, और आप अपने उत्तर के साथ उसको मिला लीजिएगा। अगर कुछ छूटेगा तो उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, उसमें शामिल कर लीजिएगा। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसके बीच में कई लाइंस हैं जो आप वहां पे आपके पोएम से आप लिख सकते हो। उसके बाद आखिरी में है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यह हो गया आपका कविता का एक्सट्रैक्ट पंक्ति, जिससे आधारित कुछ प्रश्न हैं,
ये पंक्ति वो पंक्ति है कविता का, जिसमें ये दिखाया गया है कि कवित्री अपने पिता के घर से, माता के घर से कोचिंग के लिए रवाना हुई, और रवाना होने के बाद वो जब अपनी माँ को देख के, माँ के बुढ़ापे से, वृद्धावस्था से भरे हुए चेहरे को देख के वो जब छटपटा उठी और बार बार वो देख के दर्द या भय से भर गई, उसके बारे में यहाँ व्याख्यान की गई है। अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न में, जो कि इस पंक्ति से आधारित है। पहला प्रश्न है, व्हाट वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी कवित्री कहाँ के लिए रवाना हुई या कहाँ को वो जा रही थी। इसका उत्तर होगा, द पोएट वॉज ड्राइविंग टू एयरपोर्ट टू गो टू कोचिंग। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू एयरपोर्ट टू गो टू कोचिंग, यानी कवित्री जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई क्योंकि वो कोचे जा रही थी। फिर से बोल दो, द पोएट वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट टू गो टू कोचिंग। कवित्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई ताकि वो कोचे जा सके। दूसरा प्रश्न, वाई वॉज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनकी माँ का चेहरा एक शव की तरह क्यों दिख रहा था, उनकी माँ का चेहरा एक शव की तरह क्यों दिख रहा था। इसका उत्तर ये होगा, हर मदर्स फेस was looking like a corpse because of old age. It was pale, P-A-L-E. It was pale, comma, lifeless and colorless. It was pale, comma, lifeless and colorless, यानी उनकी माँ का चेहरा एक शव के समान इसलिए दिख रहा था क्योंकि उनके माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, वो कलरलेस हो चुका था, यानी उसमें कोई रंग ही नहीं था और वो लाइफलेस दिख रहा था, यानी निर्जीव दिख रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, हर मदर्स फेस वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स बिकॉज इट वॉज पेल, P-A-L-E, पेल कॉमा कलरलेस एंड लाइफलेस। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, What did the poet notice about her mother? Poet जो है वो अपने माँ के चेहरे में क्या नोटिस करती है, क्या देखती है, खास क्या देखती है। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ूंगी, What did the poet notice about her mother? What did The poet noticed about her mother. अपने माँ के चेहरे पे वो क्या खास देखी। इसका प्रश्न का इंग्लिश उत्तर होगा, आप लिख सकते हो, The poet noticed the old age in the face of her mother. The poet noticed the old age in the face of her mother because she was in deep, D-E-E-P,
डीप स्लीप एस एल डबल ई पी डीप स्लीप कॉमा माउथ वॉज ओपन माउथ एम ओ यू टी एच माउथ वॉज ओपन एंड शी लुक्ड लाइफलेस एंड शी लुक्ड लाइफलेस। तो इस उत्तर का अर्थ ये है कि कवियत्री जो है वो अपने माँ के चेहरे में वृद्धावस्था को देखती है, क्योंकि वो उनकी माँ जो थी वो नींद में डूबी हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था, वो काफी दुर्बल दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो निर्जीव स्थिर वहां पड़ी हुई है। तो ये हो गया आपका तीसरा उत्तर। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं जिसको बोला जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटे आंसर जिसका वर्ड लिमिट यानी लगभग 30 से 50 शब्दों में हम इसको खत्म करेंगे। पहला प्रश्न आपको जो मैं देने वाली हूं वो है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन दैट द पोएट फील्स। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन दैट द पोएट फील्स। कैसा दर्द का अनुभव कवि ने किया? इसका उत्तर यह है द पोएट फील्स द पेन ऑफ ग्रीफ by seeing the old age of her mother. The poet sees the pain, feels the pain of old age, the pain of departing from her mother because she was old. यानी कवित्री जो है वो दर्द से इसलिए भर गई क्योंकि उनकी माँ की वृद्धावस्था को देख के वो दर्द से छटपटा रही थी, क्योंकि उनको माँ को खोने का डर उसे सता रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू लेट विंटर्स मून। व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून। यानी कवित्री ने अपने माँ के चेहरे को विंटर यानी ठंड के मौसम का जो चांद है उससे क्यों तुलना की? पहले भी इसका मैंने आपको समझा ही चुकी हूँ, मैं इसका उत्तर फिर बता दूं मैं आप लोगों को। इंग्लिश में ये होगा द पोएटेस कंपेयर्स The face of her mother. The poetess compares the face of her mother to the late winter's moon because her face was as weak and weak ka spelling dhyan se likhiyega W E A K weak yani durbal. Her face was as weak and white like the winter's moon. Like the winter's moon yani unki maa ka jo chehra hai wo thand ke mausam mein jo chand hota hai uske tarah hi phika tha, bilkul phika tha. तो ये हो गया इसका उत्तर। अब हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, चौथा प्रश्न जो है उस पे आते हैं। व्हाट डज द
parting words and the smile of the poet signify? What does the parting words and smile of the poet signify? यानी प्रश्न का अर्थ इस प्रकार है कि कवि ने जो आखिरी शब्द अपने माँ से बोला जुदा होते वक्त, उसका एवं उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, ये दो चीजों का अर्थ क्या है या संकेत क्या है? तो उत्तर यह होगा, द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग मतलब अलग होना, द पार्टिंग वर्ड्स यानी अलग होते समय जो शब्द थे, द पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल ऑफ द पोएट सिग्निफाई दैट दो द पोएट इज एक्सप्रेसिंग शोइंग दिखाना दो द पोएट इज शोइंग दैट शी विल अगेन मीट हर अम्मा She will again meet her amma, but at the back of her mind, अपने मन के पीछे वो जानती थी, at the back of her mind, she knows very well that she is going to never meet her amma. At the back of her mind, she knows that she is not going to meet her amma again. यानी इस वृद्धावस्था के वजह से उनकी माँ कब उनसे जुदा हो जाए, ये शायद वो भली भांति जानती थी कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी माँ से कभी ना मिले। सो वी हैव, हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं इस पोएम को, और पहले हम लोगों ने संक्षिप्त में समरी पढ़ा, कवित्री के बारे में जाना, कठिन शब्दों को जाना, अलंकार क्या है वो जाना, इस कविता में क्या क्या अलंकार का इस्तेमाल हुआ है उसको भी हमने देखा, और उसके बाद पूरे कविता का अर्थ समझने के बाद हम लोगों ने इसके जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्न उत्तर को भी हम लोगों ने डील किया, हम लोगों ने समझाया, और उत्तर भी करीब करीब जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोग को लिखा दिया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और अच्छे से घर पे रह के सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अच्छे से इस प्रश्नों के उत्तर को लिखिए, ताकि अगली क्लास में जब भी मैं आऊँ तब हम लोग सबसे पहले उन उत्तर को डिस्कस कर ले। आप फिर से कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि जिसमें कि आपके प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हों, और ताकि आपको आसानी हो जब भी मैं बोलूं, कुछ पॉइंट्स अगर नहीं लिखा है आपने तो उसको शामिल कर लीजिएगा, और इस तरह से हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना चालू रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें इस कठिन परिस्थिति में, घर के अंदर रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक ला के दिखाइए, ताकि हमारा झारखंड राज्य आप पे गौरव दिखा सके। धन्यवाद।